आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल ये 12th का फिजिकल का चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक्स। पहले इस वर्ड का मतलब समझते हैं। केमिकल का मतलब होता है, ये जो केमिकल है, केमिकल का मतलब रिएक्शन। इस केमिकल का मतलब है रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो सकता है। और उस रिएक्शन का काइनेटिक्स का मतलब है उस रिएक्शन का स्पीड, या इसी को कह सकते हैं रेट, या इसी को कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, या इसी को एक चीज और कह सकते हैं, इसी को वेलोसिटी भी कह सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। ये है केमिकल काइनेटिक्स। अच्छा, केमिकल काइनेटिक्स के बारे में कहा क्या जाता है, ध्यान से देखना। केमिकल काइनेटिक्स के बारे में क्या कहा जाता है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन। स्पीड और वेलोसिटी सेम चीज है, स्पीड ऑफ रिएक्शन। केमिस्ट्री में इसमें किसी तरह का कोई अंतर नहीं है, स्पीड में और वेलोसिटी में। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्पीड ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। वो फैक्टर जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ये केमिकल काइनेटिक्स का डिफिनेशन हुआ, केमिकल काइनेटिक्स। ये क्या करता है केमिकल काइनेटिक्स, दोबारा हम समझ लेते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब ये ऐसा ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री का जो रिएक्शन के रेट को बताएगा, मतलब रिएक्शन किस रेट से हो रहा है, कितने स्पीड से हो रहा है, कितना फास्ट हो रहा है, प्रोडक्ट कितना जल्दी बनेगा, रिएक्टेंट कितना जल्दी खत्म होगा, और किस किस फैक्टर पे वो रेट डिपेंड करेगा, मतलब रिएक्शन कितना तेज होगा पहला, और दूसरा वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, मतलब उस पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन का क्या प्रभाव पड़ेगा, अलग अलग फैक्टर। तो वही है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, और क्या रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, अब क्या करते हैं, अब हम समझते हैं कि रेट कितने टाइप का रेट हो सकता है, टाइप्स ऑफ रेट। रेट का कितना टाइप हो सकता है, रेट का जो पहला टाइप आएगा, एक ऐसा रिएक्शन जो रिएक्शन तुरंत हो जाए, इसमें टाइम भी ना लगे, ना के बराबर समय लगे, सेकेंड या सेकेंड से भी कम, एक ही सेकेंड में से रिएक्शन हुआ खत्म, रिएक्शन हुआ प्रोडक्ट आ गया, तो उस तरह के रिएक्शन को कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। और एक हो सकता है मॉडरेट रेट रिएक्शन। एक हो सकता है इंस्टेंटेनियस रेट रिएक्शन भी कर सकते हैं, मॉडरेट रेट। और जो लास्ट आएगा तीसरा, ये होता है स्लो रेट। एक रिएक्शन ऐसा जो तुरंत हो जाए, एकदम फास्ट, सबसे फास्ट, ये फास्ट है, ये ना तो फास्ट है ना तो स्लो है, नाम से लग रहा है मॉडरेट, मतलब ये मीडियम लेवल पे, मीडियम रेट हुआ। और ये स्लो है, मतलब ये सबसे स्लो है, नाम से भी लग रहा है, मतलब सबसे ज्यादा टाइम ये लेगा, स्लो रेट, ये तो यहाँ भी लिखा हुआ है स्लो रेट। तो मतलब रिएक्शन का टाइप्स ऑफ रेट कितना हो सकता है, या तो इंस्टेंटेनियस रेट, या तो मॉडरेट रेट, या तो स्लो रेट। अब इसको अलग अलग समझते हैं, सिंगल टाइप में मिटाते हैं, इतना आप उतारिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक,
अब देखते हैं सबसे पहला है इंस्टेंटेनियस। पहला जो टाइप आएगा, फर्स्ट टाइप रेट। रेट का तीन टाइप है। इसमें जो पहला टाइप है वो है इंस्टेंटेनियस। दूसरा है मॉडरेट। तीसरा है स्लो। मॉडरेट रेट, रेट लगाते जाते समझे, रेट रेट और रेट। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन काफी फास्ट होगा, मॉडरेट रेट इस दोनों से बीच में आएगा, स्लो सबसे ज्यादा स्लो होगा। अच्छा, इंस्टेंटेनियस का एग्जांपल क्या आ सकता है? इंस्टेंटेनियस का रिएक्शन का एग्जांपल है, मान लेते हैं हमको दिया हुआ है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा, इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, न्यूट्रलाइजेशन में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ये काफी फास्ट रिएक्शन है, समय नहीं लगेगा, तुरंत हो जाएगा, तुरंत खत्म। हमको समय भी नहीं देगा कि हम रेट को मेजर कर पाए, जब तक हम मेजर करना चाहेंगे तब तक रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इसमें एक एग्जांपल हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl आएगा, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NaOH ये क्या देगा, ये देगा NaCl प्लस H2O। ठीक, ये रिएक्शन इंस्टेंटेनियस है, तुरंत होगा। अच्छा, मॉडरेट के बारे में बाद में समझेंगे, पहले स्लो समझ लेते हैं। स्लो मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब आयरन में जंग लगना। आयरन में जब जंग लगता है, हम आयरन कहीं से लाते हैं परचेज करके, या मार्केट में कहीं भी, बाइक में ही या स्कूटी में, कहीं भी साइकिल में लेके चलते हैं, साइकिल का जो रिम रहता है वो बना हुआ रहता है आयरन का। आप अगर खरीद के लाए तो उसी दिन जंग लग जाता है, या कुछ समय लगता है। कितना समय लगता है? लगभग एक एवरेज अगर मान के चले तो लगभग ईयर लग जाता है। मतलब स्लो रिएक्शन को कितना लगेगा समय? ईयर लगेगा। मतलब इसके रेट को डिटरमाइन करने के लिए हमको ईयर तक रुकना पड़ेगा। और इस ये रिएक्शन इतना फास्ट है कि हम मेजर कर ही नहीं सकते हैं, ये काफ़ी फास्ट है। हम डाले बस रिएक्शन कंप्लीट, HCl और NaOH जैसे डाले तैसे रिएक्शन कंप्लीट, और रस्टिंग ऑफ आयरन में ईयर लगेगा, तो ईयर तक रुकना पड़ेगा। तो इतना पॉसिबल है नहीं कि हम रस्टिंग ऑफ आयरन के स्पीड को निकाले कि उतना दिन रुके, और ये इतना फास्ट है कि हम मेजर कर ही नहीं सकते। अच्छा, मॉडरेट रेट में जो एग्जाम्पल आ जाएगा, मान लेते हैं हमको दिया हुआ है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको डिकम्पोज किए, इसको जब डिकम्पोजिशन होगा तो ये बनाएगा CaO + CO2। अच्छा, दूसरा की एग्जाम्पल अगर लेके चले, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज C12H22O11, ये फॉर्मूला है सुक्रोज का। इसका हाइड्रोलाइसिस अगर करवाएंगे तो दो चीज बनेगा, एक बनेगा ग्लूकोज और एक बनेगा फ्रुक्टोज, और ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस मॉडरेट रेट है। अब पढ़ना कौन सा है, इससे हमको किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है, इंस्टेंटेनियस नहीं पढ़ना, इतना फास्ट है मेजर नहीं कर सकते हैं, स्लो इतना स्लो है कि हम रेट निकाल ही नहीं सकते, काफ़ी ज़्यादा स्लो, ईयर लग जाएगा, ईयर लगेगा तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, कोरोजन भी आ जाएगा इसी में, रस्टिंग ऑफ आयरन पार्टिकुलर आयरन का कोरोजन है, किसी और का भी कोरोजन करवाएंगे तो वो भी ईयर लेगा, लेकिन इसी का एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। अच्छा, ये स्लो है, हम मेजर कर सकते हैं, मॉडरेट रेट है, ना तो ज़्यादा फास्ट है ना तो ज़्यादा स्लो है, बीच का है, तो इसको हम मेजर कर सकते हैं। मतलब मेरे फोकस का चैप्टर कौन है, हम इसी का रेट निकालेंगे। रेट कैन बी डिटरमाइन, हम रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं, किस केस में? मॉडरेट रेट में। मतलब रेट का तीन टाइप है, एक रेट का टाइप आता है इंस्टेंटेनियस, एक मॉडरेट रेट, एक स्लो रेट। इंस्टेंटेनियस काफी ज्यादा फास्ट है, तुरंत खत्म। मॉडरेट स्लो है, मॉडरेट वाला स्लो है, लेकिन वो इतना स्लो नहीं है जितना ये स्लो है। ये जो स्लो रेट है ये काफी स्लो है, ईयर लेगा, ये ईयर नहीं लेगा, मिनट लेगा, डे ले सकता है, उससे ज्यादा नहीं लेगा। मतलब ये इतना है कि हम मेजर कर सकते हैं इसके रेट को, लेकिन इसके रेट को हम मेजर नहीं कर सकते, काफी ज्यादा समय लगेगा। तो इसके बारे में स्टडी नहीं करना है, स्टडी किसके बारे में करना है? मॉडरेट रेट के बारे में। आप इतना लिखिए, तब तक मिटाता है इसको।